हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर के यहाँ सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। सॉल्यूशन है हमारे पास, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, यहां पर देखो जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, वो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास ये होमोजीनियस। ठीक है, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हीट्रोजीनियस, ये हमें पता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। हीट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोला जाता और ना ही केमिस्ट्री में उसके बारे में स्टडी की जाती है। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वो है हमारे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अब ये सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर सॉल्यूशन फिल किया गया है। अब ये सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, ये सॉल्यूशन वाटर प्लस शुगर से मिलके बना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये तो है हमारे पास वाटर। ठीक है, और इसमें ऊपर से किया गया है ये जो हम डाल रहे हैं ये है हमारे पास शुगर। तो अगर वाटर और शुगर से मिलके कोई भी सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इसमें हम देखेंगे कि जिसके अंदर कुछ भी मिक्स किया जाता है, जिसके अंदर मिक्स किया जाता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसे मिक्स किया जाता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर पानी के अंदर शुगर मिक्स किया गया है तो यहाँ जो वाटर है वो वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूट। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके ही क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है सॉल्यूशन की इसे समझने के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस किस तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहला है हमारे पास, जैसे हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो पहला जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सॉल्यूशन का वो टाइप है अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, अब सबसे पहले बात आती है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम देखो डायरेक्ट डेफिनेशन देखते हैं। जैसे अभी हमने सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, जैसे पानी के अंदर हमने शुगर मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब यहाँ पर होता है कि हम पानी के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर कितना शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक गिलास वाटर लिया। अब एक गिलास पानी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि हम 6 किलो 7 किलो शुगर डिसॉल्व कर दें, ऐसा तो है नहीं, इनफाइनाइट क्वांटिटी के अंदर शुगर डिसॉल्व कर दें। उस पानी की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी कि उस कैपेसिटी के अंदर ही उसमें शुगर डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमने वो कैपेसिटी मान ली कि एक गिलास पानी के अंदर 8 स्पून शुगर डिसॉल्व की जा सकती है, तो ये जो 8 स्पून शुगर है यही इसकी सॉल्युबिलिटी है। मतलब सॉल्युबिलिटी का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इस सॉल्युबिलिटी के बेस पर ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी तीन टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। पहला है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और थर्ड है हमारे पास ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में।
फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो सैचुरेटेड वर्ड का मतलब होता है संतुष्ट, मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीट सॉल्युबिलिटी की क्वांटिटी के साथ जितनी सॉल्युबिलिटी है उतना ही सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे डेफिनेशन देखें तो क्या होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। अब यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है उसका बेस सॉल्वेंट भी लिया जा सकता है और सॉल्यूशन दोनों लिया जा सकता है, तो दोनों बोलेंगे हम। द सॉल्यूशन इन विच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी, इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे देखो हमने सॉल्युबिलिटी क्या एग्जांपल हमने लिया, सॉल्युबिलिटी 1 ग्लास वाटर की हमने सॉल्युबिलिटी मानी थी 8 स्पून, मतलब 1 गिलास पानी के अंदर 8 चम्मच शुगर डिजोल्व किया जा सकता है, 8 स्पून शुगर यहाँ पर हम बोल देते हैं। ठीक है, और जो हमने सॉल्यूट डिजोल्व किया है, जो हमने अभी सॉल्यूट डिजोल्व किया है वो 1 ग्लास वाटर के अंदर एग्जैक्टली 8 स्पून ही डिजोल्व किया है, ना तो कम ना ज़्यादा, जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी थी उतना ही यहाँ पर शुगर डिजोल्व किया गया है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसा सोचो सिर्फ कि 1 गिलास पानी की कैपेसिटी थी 8 चम्मच शुगर डिजोल्व करने की, हमने 8 चम्मच उसके अंदर डिजोल्व किया गया। जब 9th चम्मच उसके अंदर डिजोल्व किया जाएगा, हमने 9वीं चम्मच उसके अंदर शुगर डाला, तो क्या वो उसके अंदर डिजोल्व हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो 9 चम्मच शुगर जो हमने लास्ट चम्मच डाला है वो ऐसा का ऐसा उसके अंदर पड़ा रहेगा, लेकिन क्या उसकी शेप और साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जब हम प्रैक्टिकली शुगर डिजोल्व करते हैं तो हम देखते हैं ये चीज कि जिस शेप और साइज का हम शुगर उसके अंदर डालते हैं वो वैसा नहीं रह जाता, वो हल्का सा पिघल जाता है, हल्का सा थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है उसके लिए बता देते हैं। जैसे हमारे पास जो शुगर था वो किसकी फॉर्म में था? सॉलिड की फॉर्म में था। ठीक है, उसे हम किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं? लिक्विड की फॉर्म में। तो 8 चम्मच शुगर के बाद जब हम उसमें क्या करेंगे शुगर डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा? ये प्रोसेस होगा डिजोल्यूशन। लेकिन जैसे ही वो डिजोल्व होगा तो डिजोल्व होने के बाद जब पता लगेगा कि सॉल्युबिलिटी तो उसकी कंप्लीट है और ज्यादा तो डिजोल्व हो ही नहीं सकता, तो वो लिक्विड से वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लिक्विड से वापस कन्वर्ट हो जाएगा क्रिस्टल के अंदर, जिसे हम क्या बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है, ये इसके है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, और कौन कौन से प्रोसेस के बीच में होता है? डिसोल्यूशन के बीच में एंड क्रिस्टलाइजेशन के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या किया गया था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्वल क्वांटिटी, जितनी सॉल्युबिलिटी है उतनी ही सॉल्यूट डिजोल्व किया गया था। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डिजोल्व किया जाएगा। जैसे सॉल्युबिलिटी अगर 8 चम्मच की है तो हम 5 या 6 चम्मच ही उसके अंदर डिजोल्व करेंगे, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करें तो डेफिनेशन किस तरीके से होगी? जैसे हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट प्रेजेंट, सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्युबिलिटी
सॉल्यूशन लेस देन, वन मिनट, लेस देन फ्रॉम इट्स सॉल्युबिलिटी। फ्रॉम इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल हमारा वही फिक्स है, उसी से समझेंगे, बार बार अलग का एग्जाम्पल याद नहीं रखेंगे हम लोग। जैसे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कितनी मानी हुई है हमने, सॉल्युबिलिटी हमारे पास वन ग्लास वाटर सॉल्युबिलिटी कितनी है, 8 स्पून, ठीक है, 8 स्पून। और सॉल्यूट कितना है, जो भी डिजोल्व किया गया है वो सॉल्यूट वन ग्लास वाटर, उसमें हमने 8 स्पून से कम, जितना भी, जैसे हमने मान लिया 6 स्पून हमने डिजोल्व किया, तो 8 स्पून उसकी सॉल्युबिलिटी है, कैपेसिटी है, और हमने सिर्फ 6 स्पून ही उसके अंदर डिजोल्व किया, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन होगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें हम प्रोसेस देखते हैं, जैसे सेचुरेटेड में इक्विलिब्रियम आया था, इसके अंदर क्या होगा। जैसे देखो, पहले अब जो हमारे पास शुगर है वो शुगर किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, उसे हम किस में डिजोल्व करना चाहते हैं, लिक्विड की फॉर्म में उसे हम डिजोल्व करना चाहते हैं। तो अब देखो क्या होगा, 6 चम्मच उसके अंदर डिजोल्व है, 8 चम्मच उसकी कैपेसिटी है, 7 चम्मच हमने उसके अंदर डाला, जैसे ही हमने 7वीं चम्मच उसके अंदर मिक्स करने की कोशिश की तो सॉलिड डायरेक्टली डिजोल्व हो जाएगा लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस हुआ, डिजोल्यूशन का, डिजोल्यूशन, ठीक है। क्या लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी तो उसकी 8 चम्मच की है, अभी तो 7 ही चम्मच डिजोल्व किए गए हैं, अगर उसमें एक और चम्मच डिजोल्व कर दिया जाए तो भी वो भी डिजोल्व हो जाएगा और तब जाकर वो सैचुरेटेड बनेगा। तो 8 चम्मच डिजोल्व होने के बाद ही क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता। तो जो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, उस अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारे पास कौन सा प्रोसेस आएगा, ओनली सॉलिड से लिक्विड, और ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट जो प्रोसेस है हमारे पास वो है ओवर सैचुरेटेड, उसके बारे में बात करते हैं। ओवर सैचुरेटेड देखिए, ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नाम से पता चल रहा है हमें, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो हम डिजोल्व करेंगे वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर डिजोल्व करेंगे, लिखा दिखाई दे रहा है ना, ओवर, ओवर सैचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 8 चम्मच उसकी कैपेसिटी है और जो हम डिजोल्व करना चाहते हैं वो 8 चम्मच से ज़्यादा डिजोल्व होना चाहिए, जैसे हमने एक गिलास के अंदर 10 स्पून शुगर डिजोल्व कर दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन देखें, द सॉल्यूशन, सॉरी, हाँ, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट डिजोल्व इन, सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मोर देन इट्स सॉल्युबिलिटी, मोर देन इट्स सॉल्युबिलिटी कॉल्ड ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सॉल्युबिलिटी वन ग्लास वाटर, सॉल्युबिलिटी वन ग्लास वाटर की कितनी है, 8 स्पून, ठीक है। और जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट एक गिलास पानी के अंदर, वन ग्लास वाटर के अंदर कितना डिजोल्व किया गया है, 10 स्पून। तो ऐसा सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर प्रोसेस देखते हैं। जैसा मैंने बताया था, सैचुरेटेड में 8 चम्मच इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, अगर 8 चम्मच से हम ज़्यादा डिजोल्व
डिजोल्व करेंगे तो कौन सा प्रोसेस होने लगेगा, क्रिस्टलाइजेशन का। यहाँ पर डिजोल्यूशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिजोल्व तो जितना पहले हो सकता था उससे ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, ओनली क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इसकी कैपेसिटी ही 8 स्पून है तो हम इसमें 8 से ज़्यादा स्पून कैसे डिजोल्व कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा स्पून शुगर कैसे डिजोल्व किया जा सकता है। तो इसका आंसर है टेम्परेचर बढ़ाकर। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे 8 चम्मच शुगर था रूम टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हमने मान लिया, जब उसका हीट किया जाएगा उसे 25 से हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी सॉल्युबिलिटी 8 से बढ़कर 10 हो जाएगी, तब हम उसमें ज़्यादा शुगर डिजोल्व कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे मिठाई के लिए चाशनी बनाते हैं, चाशनी कैसे तैयार की जाती है, उसे हम कंटिन्यू गर्म करते हैं और शुगर डिजोल्व करते जाते हैं, धीरे धीरे उसे गर्म करते जाते हैं और शुगर डिजोल्व करते जाते हैं। तो वो गर्मी इसलिए की जाती है ताकि टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, और सॉल्युबिलिटी बढ़ने पर उसमें और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर शुगर डिजोल्व किया जा सके। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे उसमें हम लोग।